जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वंदे भारत का संचालन एक दो नहीं बल्कि कई रूटों पर रेलवे कर रही है और ये एक लग्जरियस ट्रेन है और सभी लोग चाहते हैं कि वंदे भारत का संचालन सभी रूट से रेलवे करे ताकि सभी लोगों की वंदे भारत की सौगात मिले और लोगों को सफर करने का मौका मिले। लेकिन कई ऐसे रूट पर वंदे भारत का संचालन कर दी है जिस पर उस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण ये ट्रेन फेल्यूर में जा रही है। एक महंगी ट्रेन है और इसके मेंटेनेंस में रेलवे को पूरे खर्च भी आ रहे हैं और खर्च के हिसाब से अगर कमाई नहीं हो तो रेलवे को घाटा लगता है और साथ में रेलवे इस ट्रेन बैक यानी कि वापस भी ले लेती है। लेकिन कुछ ऐसे रूट हैं जिस पर वंदे भारत का तो संचालन रेलवे ने शुरू कर दिया है लेकिन पैसेंजर उस ट्रेन को नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए रेलवे ने कुछ ऐसे रूट के जो वंदे भारत है उसका विस्तार भी रेलवे ने कर दिए हैं ताकि अगर विस्तार करने पर भी इस ट्रेन में अगर पैसेंजर मिल जाए तो उस ट्रेन को लगातार रेलवे चलाएगी। कुछ रूट पर तो रेलवे ने 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन किया है लेकिन कुछ ऐसे रूट है जिस पर 20 कोच वाली वंदे भारत का भी संचालन रेलवे ने किया है। लेकिन कुछ ऐसे रूट है जिस पर वंदे भारत का तो संचालन रेलवे ने कर दी है लेकिन 14 से लेकर 25% ही बुकिंग हो रही है जिसके कारण वो ट्रेन फेल्योर में जा रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा रूट होने वाला है जिस पर रेलवे ने 20 कोच वाली वंदे भारत का तो संचालन शुरू कर दी है लेकिन अब उस ट्रेन को रेलवे बैक लेने वाली है और उसके जगह पर 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन करने की तैयारी रेलवे कर रही है। तो कौन ऐसा रूट है 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, अब उस पर 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में इस समय 50 से भी अधिक वंदे भारत ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है लेकिन इसमें से कई ट्रेनों को यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें कई वंदे भारत भी शामिल है। करीब 25% की कम एक्यूपेंसी पर चल रही 20 कोच वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस को 8 कोच वाली रैक के बदलने की योजना रेलवे बना रही है। वंदे भारत ट्रेन की नई खेप आने के बाद इसे रिप्लेस किया जा सकता है। इस ट्रेन को इसी साल 19 सितंबर को लॉन्च किया गया था लेकिन दीपावली की छुट्टी के 8 दिन को छोड़ दिया जाए तो यह कभी भी फुल एक्यूपेंसी के साथ इस ट्रेन का संचालन नहीं हो पा रहा है। नागपुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव मुंबई हेडक्वार्टर को भेजा गया है। इसमें से एक सिकंदराबाद सेक्शन पर और एक किसी अन्य सेक्शन पर चलाने का प्रस्ताव है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने नागपुर से प्रस्ताव समय को वर्तमान सुबह 5 बजे से बदलकर सुबह 7 बजे करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। टीओआई से बात करते हुए सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सीपीआरओ का वर्तमान में वंदे भारत रेक को बदलने का प्रस्ताव है क्योंकि कोच अलग नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए हम इसे 8 कोच के बदलाव होना संभव नहीं है। इसके अनुसार वंदे भारत ट्रेन में रूट और अपेक्षित यात्रियों की संख्या के आधार पर 8, 16 और 20 कोच हो सकते हैं। नागपुर सिकंदराबाद के लिए 8 कोच वाली रेक बेहतर विकल्प हो सकती है। 16 कोच वाली मानक ट्रेनों में 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच और 14 चेयर कार वाले कोच नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत में 20 रैक हैं। इसमें आपको 1440 यात्री के बैठने की क्षमता है। अधिकारियों का कहना है कि 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन विशेष रूप से उन मार्गों पर उपयोगी है जहां पर अक्सर भीड़ भाड़ रहता है और वो ट्रेन हमेशा वहां फुल एक्यूपेंसी के साथ रन करेगी। उसी रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन संभव है और वहीं से रेलवे को अच्छी खासी कमाई 20 कोच वाली वंदे भारत से हो सकती है। अधिकारी ने कहा कि नागपुर सिकंदराबाद ट्रेन को किस रूट पर चलाना है इसका अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। जोनल रेलवे कमेटी के सदस्य ब्रिजभूषण शुक्ला का मानना है कि पिछले 3 महीनों में यात्रियों की संख्या को देखते हुए 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चलाना समझदारी का फैसला रहेगा। सिकंदराबाद रूट पर सबसे तेज गति वाली ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा होने के कारण इसमें यात्रियों के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन बनने की अपार संभावना दिखाई दे रही है, बशर्ते कि समय को एडजस्ट किया जाए। तो कब इस ट्रेन का संचालन किया गया था ये भी जानकारी मैं आपको दे दूं। इस गाड़ी का ट्रेन नंबर है 20-10-1 और 20-10-2। नंबर वाली इस ट्रेन ने
19 सितंबर को अपना व्यवसायिक परिचालन शुरू किया। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाती है। यह नागपुर से सुबह 5 बजे रवाना होती है और दोपहर 12:15 पर सिकंदराबाद पहुंचती है। ट्रेन 7:15 में ये दूरी को तय करती है। वापसी में यह सिकंदराबाद से दोपहर 1 बजे छूटती है और ट्रेन रात 8:20 पर नागपुर पहुंचती है। सतीश यादव ने बताया कि नागपुर और हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच दिन में कई ट्रेनें चलती है, जिससे सुबह 5 बजे का प्रस्थान समय यात्रियों को कम पसंद है। उनका सुझाव है कि यात्रियों को आकर्षित समय के लिए रेलवे को प्रस्थान समय कम से कम 2 घंटे पहले करनी चाहिए। श्री यादव ने कहा कि वंदे भारत को सिकंदराबाद पहुंचने में 7:15 का समय लगता है, जबकि राजधानी और अन्य मेल एक्सप्रेस 8 से लेकर 9 घंटे में पहुंचा देती है। इसीलिए यात्री दूसरे ट्रेन छोड़कर वंदे भारत में आने को तैयार नहीं है। श्री यादव ने बताया कि बंसल शुक्ल का सुझाव है कि ट्रेन को नागपुर से सुबह 8 बजे रवाना किया जाए और सिकंदराबाद से शाम 4 बजे अपनी व्यावसायिक यात्रा शुरू करनी चाहिए। उनका मानना है कि बस यात्रा से जुड़े जोखिमों के कारण यात्री दिन में यात्रा पसंद करते हैं। यह शेड्यूल हैदराबाद से वापसी करने वाली यात्रियों को भी आकर्षित करेगा। तो दोस्तों, ऐसे तो भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि कई रूटों पर वंदे भारत का संचालन कर रही है। कई रूटों पर आपको 20 कोच वाली वंदे भारत देखने को मिल रही है, साथ में कई रूटों पर आपको 8 कोच वाली वंदे भारत का भी संचालन रेलवे कर रही है। लेकिन जो 8 कोच वाली वंदे भारत है उसका तो संचालन जो इस रूट पर रेलवे कर रही है वो अपनी पूरी ऑक्युपेंसी के साथ चल रही है। कुछ ही जगह ऐसे है जहाँ पर उस ट्रेन को भी पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन नागपुर और सिकंदराबाद के बीच जिस वंदे भारत का संचालन रेलवे 20 कोच के साथ कर रही है, जो यात्री कैपेसिटी है इतना ना ज्यादा डाउन हो गया है कि इस ट्रेन को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रही थी रेलवे कि इसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, लेकिन वंदे भारत को 2 हिस्सों में बांट कर चलाना संभव नहीं है। इसीलिए रेलवे अब तैयारी कर रही है कि इस ट्रेन को रिप्लेस कर दिया जाए और इसके जगह पर जब दूसरी लॉन्चिंग होगी तो इसके जगह पर 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन किया जाएगा और जो 20 कोच वाली वंदे भारत है उसको उस रूट पर चलाया जाएगा जिस रूट पर ज्यादातर लोग वंदे भारत में सफर करते हैं और उन लोगों को वंदे भारत में वेटिंग लिस्ट मिलता है उन लोगों के लिए ये 20 कोच वाली वंदे भारत परफेक्ट होने वाली। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये वंदे भारत की फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि रेलवे टाइमिंग का सही ख्याल नहीं करते हुए इस ट्रेन का संचालन कर देती है, इसलिए भी ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पटना और दिल्ली के बीच कोई ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है 7 बजे सुबह में और उसी समय वंदे भारत का भी संचालन रेलवे कर रही है पटना और दिल्ली के, तो जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उसका जो फेयर है आप लोग जानते हैं कि उस ट्रेन में आपको फेयर कम लगते हैं, लेकिन जो वंदे भारत है उसमें फेयर ज्यादा लगते हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि जो भी ट्रेन सामने से निकल रही है और उसमें फेयर भी बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं, तो लोगों का सबसे बड़ा च्वाइस होता है कि जो सबसे पहले ट्रेन खुल रही है दिल्ली के लिए उसी को पकड़ लेते हैं और साथ में पैसे भी कम लगेंगे। तो ये भी एक रीजन है कि टाइमिंग का जब तक रेलवे सेटलमेंट नहीं करेगी, इसी तरह वंदे भारत जिस भी रूट पर बिना टाइमिंग के सेटलमेंट के इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा उस ट्रेन का यही हाल होने वाले है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे सिकंदराबाद और नागपुर के बीच चलने वाली जो 20 कोच वाली जो वंदे भारत है इसको रिप्लेस करने की तैयारी कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो मैंने आपको टाइमिंग के बारे में बताया है कि भारतीय रेलवे जो वंदे भारत के लिए टाइम सेटलमेंट कर रही है इसमें भी रेलवे को बदलाव करनी चाहिए, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि रेलवे को इस पर सोच विचार करनी चाहिए या फिर नहीं। और इस पर जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।